टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा आरपीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने चोरी के इरादे से आए इस युवक को पकड़ा है। इसके पास से रिंच, पकड़ और भी कई तरह के औजार, चाबी बरामद किए गए। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास अक्सर ऑटो रिक्शा चोरी होने की खबर सामने आती है। कुछ नशेड़ी किस्म के चोर अक्सर यहां पर घूमते रहते हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही घटना को अंजाम देने के लिए शायद ये चोर आया था, मगर आरपीएफ ने इसे पकड़ लिया है। आरपीएफ के सुमित कुमार फोगट ने इसे पकड़ा है और सुमित कुमार फोगट ने बताया कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन के परिसर में कई ऑटो रिक्शा में ये ताक झाक कर रहा था और इसी दौरान इनको इस पर शक हुआ और इसे पकड़कर जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से चाबी, रिंच, पकड़, ऐसे तमाम औजार बरामद किए गए। वहीं इस आरोपी ने अपना नाम मेहताब कुरैशी बताया है और मुंब्रा इंग्लिश हाई स्कूल के पास के रहने वाला ये अपने आप को बता रहा है। साथ ही ये भी बता रहा है कि वो डिश का काम करता है, मगर आरोपी को आरपीएफ ने पकड़कर सिटी पुलिस को सौंप दिया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान आरोपी आफताब कुरैशी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं और आरपीएफ के सुमित कुमार फोगट ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी। क्या नाम क्या आपका? महताब कुरैशी। नशे में हो क्या अभी आप? दो दिन में हो मैं। अच्छा, जो अभी हम देख रहे हैं कि आपके पास से पकड़ पाना, ये क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर? मैं डिस्क का काम करता हूँ सर। कई का डिस्क का? कौन से डिस्क का काम करता है? डिश टीवी, आइडल का। तो आईडी है उसका कुछ? रिक्शे के पास से डिस्क कहाँ लगती है? मेरा प्राइवेट है। रिक्शे के पास आपकी डिस्क कहाँ लगती है? आपको कहाँ से पकड़ा गया? आपको पकड़ा गया है, आप रिक्शा वगैरह का? जबरदस्ती मेरे को लेके आए, जबरदस्ती पकड़ के मेरे पास था तो ऐसी जबरदस्ती मेरे को पकड़ा। ऐसी तो एक मिनट, आपकी जो हालत है वो ऐसा देख के लग रही नहीं है। प्राइवेट है तो आप कौन से, कोई दुकान होगी आपकी? प्राइवेट है तो आप कोई दुकान से लेते होगे डिश या कोई कंपनी के थ्रू है, क्या है? मेरा कैसा कॉल आता है, मेरा प्राइवेट है। कितने सालों से कर रहे हैं आप? मैं कोट मेकर भी हूँ। रहने के लिए कहाँ पे आप? मुंब्रा में? कहाँ पे मुंब्रा में? कहाँ पे? मुंब्रा इंग्लिश हाई स्कूल। आपको अभी यहाँ रंगे हाथ पकड़ा गया रिक्शे को खोलते हुए? वो गलत फहमी। ऐसा कैसा गलत फहमी? पुलिस वालों को गलत फहमी कैसी होगी? उन्होंने मेरे को बहुत मारे। कौन मारा आपको? जो आए थे ना मारे हुए, तो आप नहीं लग रहे कि आपको किसी तरीके का टॉर्चर या किसी तरीके से मारा गया हो? मैं छठे को पीछे से मेरा पूरा शर्ट गंदा लो, जबरदस्ती मेरे को मारे। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बैठा था। ठीक है, आगे की जांच। रिक्शा खोलेगा तो रिक्शा मारेगी ना? आगे की जांच पुलिस करेगी, आप दोषी निकलेगा, आपको सजा मिलेगी। काफी दिनों से जो रिक्शे की चोरी हो रही थी, रिक्शा स्टैंड पे कुछ भी इनके रिक्शे के पार्ट जा रहे थे, तो आज आपने एक आरोपी पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है खोलते हुए, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह ये आपने आज आरोपी को अरेस्ट किया? एक्चुअली क्या है कि मैं शाम को 8 बजे के तकरीबन मैं बस पे गया था, तो वहाँ पर मैंने स्टाफ को चेक कर रहा था। उसी दौरान मैंने स्टाफ सत्यवीर जो बैठे मेरे साथ में, इसके साथ में स्टेशन गश्त कर रहा था। मैंने स्टेशन गश्त किया, उसके बाद मैं बाहर ऑटो स्टैंड के पास में गश्त कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार किसी बाइक के पास जा रहा है, किसी ऑटो के पास जा रहा है, कुछ कर रहा है। उसके बाद हमने थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद हमने देखा कि वो कुछ ना कुछ किसी ऑटो के साथ में या फिर किसी बाइक के साथ में कुछ ना कुछ कर रहा है। तो फिर अवलोकन में हमने देखा कि उसके पास कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह, कुछ की वगैरह, ऐसे कुछ सामान था। तो उसके बाद हमने काफ़ी देर तक देखा तो वो कुछ कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को खोलने की कोशिश कर रहा है, चालू करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद आस पास के लोगों से भी हमने हेल्प मांगी कि देखो ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हम लोगों की हेल्प के साथ में हम लोग उसको यहाँ पे लेके आए। उसके बाद में उसको चेक किया तो उसके पास में कुछ चाबी पाना, कुछ कीज, कुछ और एक्स्ट्रा सामान मिला लगभग। मतलब ये जो सामान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने आपको इनसे बरामद हुआ है? हाँ, ये सामान उसके पास से बरामद हुआ है सब कुछ। उसके बाद हमने उससे कुछ पूछताछ की तो ऐसा लगा कि जैसे वो चोरी करता है, मतलब ऑटो की या फिर बाइक की इनकी चोरी करते हैं। सर, मेरा एक सवाल था कि मतलब आपने लगभग
वो कुछ खोल रहे थे या मतलब खाली वो रिक्शे के पास खड़े थे तब आपने पकड़ा? नहीं, वो कुछ ना कुछ खोलने की कोशिश कर रहा था, उसके पास जो केज है, जो स्क्रू ड्राइवर, मतलब उनकी तरफ से एक्टिविटी कुछ चालू थी रिक्शे के लिए। हमने काफी देर तक उसका अवलोकन किया था, उसके बाद हमने उसको पकड़ा। मतलब आप खुद इंतजार कर रहे थे कि वो इस तरह का कुछ एक्टिविटी करे ताकि हम रंगे हाथ उसको पकड़े, क्योंकि हम लोग भी कंफर्म करना था कि क्या कर रहा है। ऑटोज के साथ में बाइक्स के पास अभी कोशिश कर रहा था सर। अभी ये रेलवे एक्ट के अंतर्गत में आएगा या सिटी पुलिस के अंतर्गत? सिटी पुलिस के अंतर्गत आएगा, ये चोरी का मामला होता है, आईपीसी के अंतर्गत। ओके,